बिहार में सांसद, जी हाँ, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जो जान से मारने की धमकी मिली, इसके बाद पुलिस के आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं पप्पू यादव। अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। धमकी भरा कॉल करने वाले का दावा यह है कि लगातार पप्पू यादव की कई ठिकानों की रेकी वो कर रहा है और उसे जान से वो मार डालेगा। उस धमकी भरे ऑडियो में ये सुना गया कि पप्पू यादव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर धमकियां उसे जम कर दी गई। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने वाला गुर्गा धमकाते हुए ये तक कह गया, ध्यान से सुन बात भाई, लॉरेंस बिश्नोई ने जेल का जैमर बंद करवाकर कॉन्फ्रेंस से तुझे कॉल करवाई थी, लेकिन तुझे तूने फोन नहीं उठाया। एक तो हो गया तेरा निवास और अब गिनती चालू कर दे। एक घर है तेरा दुपल्ली के हाउस पार्क में, दूसरा अनंतपुर के हाउसिंग सोसाइटी में, तीसरा गुरदास मुथैया के अपार्टमेंट बिल्डिंग, चौथा पटना का घर जहां तू नजरबंद था, छठा घर है जन अधिकार लोक सेवा का पार्टी ऑफिस, सातवां राइटिंग रोड अरण्य भवन के पास और नौवां आरा गुप्ता जनरल स्टोर के पास का घर, बड़तांडा परमानपुर का घर और पूर्णिया में विधानसभा क्षेत्र का तेरा घर। अब घूम अब कहाँ घूमेगा। बिश्नोई के गुर्गे ने पप्पू को ऐसे धमकी भरे ऑडियो कॉल में जो हालत की होगी, आप समझ सकते हैं कितना कांप उठे होंगे पप्पू। पप्पू को धमकाते हुए गुर्गे ने ये कहा, तुझे प्यार से समझाया था कि भाई से बात कर ले, भाई ने जेल का जैमर बंद करवा कर तुझे फोन करवाया और तूने फोन नहीं उठाया। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई। अच्छी भली सुलह हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके तेरी अकड़ नहीं खत्म हो रही। अब सुन, भाई की तरफ से मैसेज सुन, ना तुझे कच्चा चबा दिया, 3 घंटे का टाइम है, ना तेरे पीछे गाड़ियां आई तो कहना। ये कहकर लॉरेंस बिश्नोई ने आगे कहा, एक तो गलती तेरी और ऊपर से दिखा रहा है कि तेरी कोई गलती नहीं, हमने तुझे बड़ा भाई बनाया और तुझे फोन किया, लेकिन तूने फोन नहीं उठाया। तुझे पता है कि जेल का जैमर 10 मिनट बंद कराने के लिए 1 मिनट के लाख रुपए लगते हैं। मजाक समझ रखा है क्या तूने? क्या जवाब दूं कि तुझे बड़ा भाई बना लिया था मैंने? अरे बड़े भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, शर्मिंदा करवा दिया। हमने तुझसे कोई मांग की थी क्या? उल्टा तेरी जान बख्श दी थी, तूने क्यों उल्टा बोला था? एक बार भाई लॉरेंस से बोल देता कि न्यूज़ वालों ने उल्टा कर दिया, काट कर भेज दिया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मसला सुलटा ले। गुर्गे ने आगे कहा, तेरी एक वीडियो देखी थी, तूने एक बार कहा कि जितनी तुम्हारी उम्र होगा उतनी से ज़्यादा बार मैं चुनाव जीत कर आ चुका हूँ, तेरी ये लाइन पसंद आ गई, इसलिए तुझे बड़ा भाई बना लिया था। और तूने क्या किया? इज्जत ही ना रखी हमारी? जेल का जैमर बंद करवा कर तुझे फ़ोन करवाया। जेल का जैमर बंद करवाना बच्चों का खेल समझ रखा है? खाली होकर अकेले होकर फ़ोन पर बात कर, ये कहा है पप्पू यादव से गुर्गे ने, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने। मुंबई में NCP नेता सिद्दीकी के निधन बाद पप्पू ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जो चुनौती दी, इसी पर उन्हें उल्टा जवाब मिला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में वो बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी को, पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। वो ये वो शब्द थे जिस पर इतना भयानक उन्हें धमकी भरा ऑडियो का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से।